नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज। आज हम लोग एक इंटरनेशनल वुमन ट्रैफिकिंग और फेक वीसा गैंग को पकड़े। बेसिकली ये गैंग हमारा RGI एयरपोर्ट के थ्रू वे लोगों को कड़पा का, चित्तूर का, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, हैदराबाद का बहुत सारे लोगों को ये क्वेट भेजते थे। बेसिकली ये लोग वीसा को, एम्प्लॉयमेंट वीसा को टूरिस्ट वीसा की फेक बना के देन वो स्टाम्प्ड वीसा भी निकाल के देन अगेन वहाँ पे उतरने के बाद फेक वीसा लगा के और एम्प्लॉयमेंट वीसा फिर लगा के पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को भेजते थे। इसमें मेनली मणिकंठा करके नेटिव ऑफ पेनंगलोरू कड़पा डिस्ट्रिक्ट और पुष्पावती है वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का नेटिव, ये लोग ये गैंग चलाते थे। ये लोग आज हम लोग ऑलमोस्ट 18 लोगों को अरेस्ट किया, इसमें 15 लोग एजेंट्स है, 2 एयरलाइन स्टाफ है और एक हमारा कांस्टेबल है। हमारा कांस्टेबल भी एक PCC इशू करते थे, फेक एड्रेस की नाम से PCC इशू करते थे, उनको भी आज अरेस्ट किया और बहुत सारे लोगों का भी एजेंट्स को अरेस्ट करने का। ये ऐसी चीज़ बहुत ऑलमोस्ट इंडिया, सारा इंडिया में चल रहे, बॉम्बे, गोवा, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर सब जगह चला रहे, बहुत सारे एजेंट्स है। सो आज हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं और अभी भी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करने का है। और हम लोग एयरलाइंस वालों को, एम्बेसी वालों को, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, इमिग्रेशन ऑफिसर को, सबको लेके ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स को भी रिक्वेस्ट करके ये कुछ ये सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने हमारा कोशिश करेंगे। लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये फेक एजेंट्स को मत बिलीव करो, जो आपको नाम से बोल के कि टामा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीसा के नाम से, नहीं तो फेक वीसा के नाम से भी भेजने वालों को मत बिलीव करो, क्योंकि ये लोगों को थोड़ा कुछ पैसा बचाने के लिए आप लोग बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ सिक्योरिटी नहीं रहता, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं रहता, कुछ एक्स्ट्रा तंका भी नहीं रहता और बहुत प्रॉब्लम्स भी होता। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसी ये जो एजेंट्स है वो फेक वीसा बना के वे एम्प्लॉयमेंट वीसा को टूरिस्ट वीसा बना के देना, अगेन टूरिस्ट वीसा को एम्प्लॉयमेंट वीसा, लोगों को बिलीव मत करो और इस जाल में मत पड़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। सर, इसमें जो बाहर गए सर, उसमें से कोई आके अपने पास कंप्लेन करें या कोई रिजेक्ट हुआ इसमें जो जाली वीज़ा जो बना के भेज रहे थे इसमें? तो वो वैसे सवाल ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे जाने के बाद ये लोग एयरपोर्ट से उतरते नहीं तो एयरपोर्ट में ही ओरिजिनल लगा देते, ये पासपोर्ट में ओरिजिनल का वीसा, स्टाम्प वीसा लगा देते और एम्प्लॉयमेंट वीसा भी लगा देते। सो वहाँ पे लोगों को नहीं होता, वो इमिडिएटली वो एम्प्लॉयर के पास चला के जब उनका प्रॉब्लम आता है तो वो लोग को मालूम पड़ता कि ऐसे ऐसे हुआ करते, बट ऐसी तो केसेस नहीं है। बट डेफिनेटली हम लोग कुछ केसेस है तो इन्वेस्टिगेट करेंगे।